रेलवे के काम से उदयपुर के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अनुभवी हमारे आदरणीय गोयल साहब के सानिध्य में आप प्रातःकाल के कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने उदयपुर में आने से पूर्व ही प्रातःकाल के विजिट का आपने चयन किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डीपीआर साहिबान और आप सभी टीम का इस कार्यालय में स्वागत करते हुए हमें खूब प्रसन्नता हो रही है। हम चाहेंगे कि आपके इंट्रोडक्शन से पहले आपकी जो स्वागत की रस्म है आप जो अदा करना चाह रहे हैं, जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल झांबी और ये उखड़ना और असामिस गामुछा से आपका वर्णन करना चाहूँगा। हमारा भी बाहर के डिसीजन के लिए आप बाहर पधारते हैं तो सारा काम आप ही देखते हैं। ऑन गुडविल मिशन करते हैं जी, आसाम का बाहर, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, इसी तरीके से हर साल एक एक स्टेट में हम जाते हैं मीडिया को लेके जो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रहते हैं गुवाहाटी सिटी का छोड़ के, तो उनको लेके जाते हैं, जाके उस स्टेट का शिक्षा, कला, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, हर क्षेत्र पे जो काम हो रहा है उसको हम पर्यवेक्षण करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। इन लोग मीडिया पर्सन भी हुआ हर रोज न्यूज़ भेजते हैं जो यह क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं, इनोवेटिव स्कीम्स है, इस बारे में हमारा आसाम को लोगों को जानकारी देने के लिए और आपसे अच्छा चीज़ हम लेके जाए और वहाँ का दो चार बात आपको बात करते जाए, इसीलिए ये प्रेस टूर वर्सल किया जाता है। तो हम सौभाग्यवान है कि हम आपका इस मीडिया हाउस में आए हैं जो यहाँ का सबसे सर्वाधिक प्रचारित है। इसका नाम मैंने गुवाहाटी में रहते समय सुना, नहीं देखा था, तो इस बारे में तो आपका बहुत पुराना अनुभव है, बहुत दिन से आप इस लाइन में हैं। तो हमारा जो मीडिया पर्सन से और खुद में तो छात्री हूँ, तो आपका अनुभव से हम उपस्थित होंगे ये समय। खुशी की बात है
कि असम से इतनी दूर आप यहाँ राजस्थान में, और राजस्थान में भी एक कोने में स्थित उदयपुर में अध्ययन के लिए बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत, जब मैंने सुना कि आप लोगों ने राजस्थान में आकर प्रातःकाल में विजिट करने की इच्छा व्यक्त की है, तो मुझे आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई, क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े अखबार हैं, उनके मुकाबले प्रातःकाल का चयन हमारे लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। असम सरकार ने बहुत बढ़िया परंपरा शुरू की है, इस तरह की परंपरा अगर अन्य राज्य भी और विशेषकर राजस्थान सरकार भी प्रारंभ करे तो एक दूसरे प्रदेश के जो पत्रकार हैं उनका समन्वय, उनके विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे प्रदेश को जानने की ढेर सारे अवसर उपस्थित होते हैं, और ये बहुत प्रसन्नता की का विषय है। आप में, आप सब लोग मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होगा और प्रिंट मीडिया भी होगा, वेब मीडिया भी। तो जब आज हमारी केंद्र सरकार का ध्यान विशेषकर पूर्वोत्तर की तरफ केंद्रित हो रहा है, ऐसे में आप लोगों का यहाँ आना और भी आनंददायक है। आप, मैं कहने का तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर बात कर सकता हूँ अपने बारे में, यहाँ के बारे में। असम सा, एक असम के एक छोटे से जिला है जी, जहाँ पहाड़िया जिला है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ट्रेन जाते हैं, हिल स्टेशन कहा जाता है। अच्छा, क्या नाम है? स्वाडिप असम सा। मैं हिल स्टैप और न्यूज स्टैप चला रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर, ये जो मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलो और अलग अलग फील्ड में आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा बात करें। उनका जो अखबार है 40 साल पुराना है, और 40 साल पहले जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की, प्रिंट मीडिया की जो स्थिति थी वो आज से बिल्कुल डिफरेंट थी। आज न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन जितना आसान हो गया है, 40 साल पहले वो बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत मुश्किल था। जब हाथ से एक एक टाइप, जो हॉट मेटल प्रिंटिंग होती थी तो कंपोज करने के लिए एक एक टाइप कंपोज किया जाता था, एक टाइप बनाए जाते थे और फिर उनको प्रिंट किया जाता था, उसके अंदर इतनी लेबर लगती थी अखबार निकालने के लिए, इट इज़ जस्ट ए 6 आवर्स जॉब। तो ये आए दिन समस्या होती थी, हम लोगों को खुद जुटना पड़ता था, ये इनके इन प्रकार अखबार समय पे निकलना चाहिए, एक वो स्थिति थी। आज जब कंप्यूटर का आगमन हो गया है और सैटेलाइट और इंटरनेट का चलन हो गया है, तो ये सारा मैजिकल काम हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं। एक आदमी अकेला अगर होता है तो पूरा अखबार निकाल लेता है। तो हम लोगों का अभी 4-5 जगह से निकल रहा है पेपर, बॉम्बे से निकलता है, जयपुर से निकलता है, दिल्ली, जोधपुर। तो ये इंटरनेट का जो माध्यम है ये बहुत योगदान करता है, इसका किसी एक जगह पेज बन जाते हैं, मैटर कलेक्ट हो जाता है और सारे एडिशंस उसको ले लेते हैं और अपने अपने हिसाब से उसको प्रिंट कर लेते हैं। 12 पेज का, 12 पेज का है। आप लोग देख लीजिए, ये 2 रुपया 10 पैसा है, देखेंगे ना। तो ये हमको जानकारी मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आज दूसरा बात है, आज का जमाना में हम लोगों के पास आ गया चैलेंजेस, जैसे कि सोशल मीडिया आ गया, वेब पोर्टल आ गया, ये सारा। तो इस हालत में हमारा प्रिंट मीडिया का भविष्य क्या रहेगा, आप क्या सोचते हैं? मैं 1984 के अंदर अमेरिका में गया था, उस वक्त अमेरिका के अंदर ये सवाल बहुत ज्वलंत था। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छा गया था और सारी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के सामने ये सवाल मुंह बाए खड़ा था कि इसका क्या हुआ, ये दिन लग जाएंगे।
उस बात को 30-32 साल हो गए हैं। आज भी वहाँ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ चली। बरसों बाद यही सवाल हमारे यहाँ भी खड़े हुए हैं, ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल कुछ साल पहले का है, 95 या 2000 में ये सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन प्रिंट इंडस्ट्री का कहीं कोई बाल बांका नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसकी अलग उपयोगिता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक क्षणिक है जी, ये तो आपके सामने है ना, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जिस तरीके से किताबों के कई स्वरूप हो गए हैं, लेकिन किताब समाप्त नहीं होने वाली है। हो सकता है कुछ ऊंचा नीचा हो, लेकिन इसके अंदर जो इसको चलाने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत, उनका उत्साह, आप निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से और फिर कई पब्लिकेशन बंद हो गए, तो आपकी हिम्मत भी। और एक हम लोग जो फेस करते हैं, जैसे कि हम लोग का बाहर से मेन सिटी में पब्लिश होता है, हम लोग बाहर से करते हैं तो हम लोग को कॉरेस्पॉन्डेंट जैसा होता है, और आज का सारा वर्ल्ड पे इन लोग का जो मिलना चाहिए, जो ऑनरेरियम बोलिए या वेटनरशिप मोड़ना चाहिए, हर प्रॉब्लम होता है ये। तो आप एक मीडिया का उसका ओनर होते हुए आप इसको कैसे डील करते? तो वो हमको उनको ज़्यादा पेमेंट करना भी नहीं पड़ता। फिर दूसरा हमने एक माध्यम इसका ये निकाला है कि आप विज्ञापन कलेक्ट करिए, क्योंकि आपने जो सवाल किया ना 2 रुपए 10 पैसे में 12 पेज का अखबार रंगीन, ये कैसे दे सकते हैं? तो इट्स ओनली पॉसिबल इफ यू गेट सफिशियंट एडवर्टीजमेंट्स। कोई भी अखबार बोलिए 2 इसका 5 रुपए भी कर दो तो इट कैन नॉट बी सेल्फ सफिशियंट, क्योंकि अखबार की जो कीमत है छपाई वगैरह ये सारा जो है बहुत महंगा पड़ता है। तो इट कैन बी ऑफसेट ओनली बाई एडवर्टीजमेंट्स। तो हमारे जितने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं हम उनको ये कहते हैं कि आप जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, आप उनसे विज्ञापन लाइए, आपको कमीशन मिलेगा। तो एक ये भी तरीका है, और फिर हम उनको खर्चा भी देते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑन आवर रोल्स। तो अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है सेंट्रल में, GABP में ऐसा किया कुछ दिन पहले, 2000 अखबार को छोड़ के बाकी सबको DABP एडवर्टाइज देना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि हमारा अखबार के सर्कुलेशन 25,000 है, 50,000 है, लेकिन हालांकि यह सच भी नहीं है। इसलिए एक इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी के तहत अब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो रहा है। तो पहले सरकार और अब के सरकार में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है? बहुत बड़ा अंतर ये है कि पहले की जो सरकार थी वो बहुत जेनरस थी, वो एडवर्टाइजमेंट माइंडेड सरकार थी। तो हर कोई भी छोटा ओकेजन होता था, कुछ भी ओकेजन होता था, किसी महापुरुष की जन्मतिथि भी होती थी, पुण्यतिथि भी होती थी, तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट रिलीज होते थे। तो ये नई सरकार जो आई है उसने वो सारी पॉलिसी बंद कर दी, तो जो क्वांटम ऑफ एडवर्टीजमेंट्स है वो बहुत कम हो गया। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है सेंटर के अंदर, उन्होंने पॉइंट सिस्टम चालू कर दिया है, हर अखबार को वो पॉइंट देते हैं। वो पॉइंट के अंदर अगर आप मिनिमम 45 कितने 45 पॉइंट्स अगर आपके पास है मां, दैनिक पूर्वोदय रॉयल ग्रुप के हैं, पूर्वांचल पे GL पब्लिकेशन, GL पब्लिकेशन सेंटर के मेन लीडिंग दो ही है चेहरा हिंदी पेपर, हाँ पूर्वांचल पे बोले तो नाम उसके ही लिए। देखिए पूर्वांचल पूर्वोदय बराबरी है, ये तो हिंदी के हैं, हिंदी के प्रतिदिन असमिया में सर, प्रतिदिन इंग्लिश में असम ट्रिब्यून, प्रतिदिन दूसरा इंग्लिश में सर असम ट्रिब्यून, असम ट्रिब्यून, दोनों एक ही पब्लिकेशन है।
ये अपने नेशनल पेपर भी वो अब बखूबी अवसर मिल रहा है उसको। हम लोगों का इंटरनेट पे भी पब्लिक वो है, डेली ई पेपर है हमारे, जो तीन एडिशन है तीनों ई हैं उसकी। ये होना है उपलब्ध होता है, इसके कारण आप लोगों के पेपर के सर्कुलेशन में कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, जैसे अब यहाँ के लोग हैं वो अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई और कुवैत और यहाँ लोग हैं, उन लोगों को बहुत आसानी हो गई। यहाँ कोई उनके गांव के अंदर छोटी सी घटना घटती है, वो गांव वालों को खुद को पता नहीं होता है, वहाँ कुवैत से फोन आ जाता है, दुबई से फोन आ जाता है कि आज गांव में ये बात हुई, कि तुमको कैसे पता चला, कि हमने तो देख प्रातःकाल में देख लिया। अंकल है सुरेश जी, मेरे अंकल है, मैं इन्हीं के साथ, मैं 46 का हूँ, मैं पिछले 10-11 साल से उदयपुर का एडिशन जो है उसका संपादन का कार्य मैं करता हूँ, तो जो भी सीखा है वो सब अंकल से ही सीखा है। आई एम अनमेरिट। जाहिद अहमद तपादार, मैं सीनियर इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ असम की। गवर्नमेंट ऑफ असम की एक योजना है गुडविल मिशन, कंडक्टेड प्रेस स्टोर ऑन गुडविल मिशन। हर साल हम पत्रकारों को देश का दूसरा दूसरा अलग अलग स्टेट पे लेके जाते हैं। इस मिशन का उद्देश्य है जो दूसरा जो स्टेट है उस स्टेट का क्या इनोवेटिव स्कीम से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है, इसका बारे में जानकारी लेना, फील्ड में फील्ड स्टडी करके एक रिपोर्ट असम में भेजना। तो हर रोज हमारा जो इस बार हमारा 20 मीडिया टीम लेके आए हैं, इसमें 6 महिलाओं है, पहले बार हम महिलाओं को लिए हैं, इसीलिए सब 14 पुरुष और 6 महिलाओं, तो उन्होंने हम इस 12 दिन का इस गुडविल मिशन है। हम जयपुर 24 तारीख को आए थे, यहाँ आज सुबह आए हैं, यहाँ से हम जोधपुर जाएंगे। राजस्थान का एग्रीकल्चरल सेक्टर
इंडस्ट्रियल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, सब कुछ में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है। और जो उदयपुर में भी आज हम ये उपस्थित है यहाँ का प्रातःकाल न्यूज़पेपर पर, यहाँ का लोगों से बात करेंगे, यहाँ का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये हम हमारा स्टेट में भेजना चाहता हूँ। सर, बहुत खुशी की बात है कि असम के विभिन्न भागों से असम सरकार के माध्यम से पत्रकारों का एक दल राजस्थान के भ्रमण पर है और जयपुर के बाद यह दल आज उदयपुर आया है। उदयपुर में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के बाद आज की शाम उन्होंने प्रातःकाल कार्यालय में व्यतीत करने का निश्चय किया। असम से रवाना होते होने के वक्त ही यह इन लोगों ने तय कर लिया था कि राजस्थान में वे एक समाचार पत्र के कार्यालय में जाएंगे और इस दृष्टि से उन्होंने प्रातःकाल का चयन किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में बड़े बड़े अखबारों के होने के बावजूद प्रातःकाल जैसे पत्र का चयन इन लोगों ने किया। बहुत खुशी हुई इन लोगों के बीच में आकर के, इन लोगों से वार्तालाप करके, इनकी शंका समाधान और समस्याएं उनके बारे में चर्चा करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। मैं इन सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम अनूप विश्वास है और मैं जो असम स्टेट का जो इंग्लिश पत्रिका है द असम ट्रिब्यून को बिलोंग करते हैं। हम एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, हिल डिस्ट्रिक्ट दिमासाओ, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग, हमारा जो सरकार है, असम सरकार ने जो एक योजना बनाया है जो हम लोग को अब एवरी ईयर कोई सांवादिक को लेके बहुत अलग अलग स्टेट में जाते हैं, ताकि एक तो उद्देश्य वो था जो हर स्टेट में जो भाईचारा जो है। और इसलिए इस बार राजस्थान का चुनने का कारण सबसे बड़ा बात है जो असम का साथ में राजस्थान का बहुत ही पुराना रिलेशन है, तो उन रिलेशन और भी मजबूत करने के लिए हम लोग आए। हम लोग काफ़ी चीज़ देखा, बहुत अच्छा चीज़ देखा। और आज जो घटना हुआ, जो प्रातःकाल पत्रिका का जो खुद सत्ताधारी भी बोल सकते हैं और एडिटर है, हम लोग का जैसे वो तो हम लोग का ये आशीर्वाद लेने के जैसा हो गया। हमको बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा डेडिकेटेड हम लोग का बीच में है तो उनका आशीर्वाद मिला, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत थैंक यू।